नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि जिस तालिबान की बदौलत उसका कंधार मिशन सक्सेसफुल साबित हुआ था, वह एक दिन भारत की गोद में इस तरह जाकर बैठेगा कि खुद पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ा नासूर बन जाएगा। अगस्त 2021 में जिस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर काबुल पर कब्जा किया था, उस दौरान सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश को हुई थी। लेकिन इस बदलाव के 2 साल गुजरने के बाद आज यही जाहिल छाती पीटकर अपनी नीति पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। हाल में ही तालिबान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के दूत ने 3 दिन पहले काबुल का दौरा किया था और तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। इस दौरान कश्मीर मुद्दे पर मुत्ताकी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है और इससे अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को यह जवाब उस तालिबान ने दिया है जो 2.5 वर्ष पहले कश्मीर पर उसकी आवाज में आवाज मिलाता था। लेकिन अब परिस्थितियां भी बदल गई है और तालिबान की पॉलिसी भी बदली बदली नजर आती है। संभवतः यही कारण है कि भारत से संबंध बढ़ाने के लिए उत्सुक तालिबान ने कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान से अलग रुख अपनाया है। इसका साफ मतलब यह भी है कि तालिबान भी कश्मीर पर अशरफ गनी सरकार की नीति पर ही चल रहा है। जिस भारत को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए पाकिस्तान तालिबान को लेकर आया था, उसी तालिबान ने पाकिस्तान को हाशिए पर करके अफगानिस्तान में भारत की एंट्री के द्वार खोल दिए हैं। अब भारत खुलकर अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहा है। इस नए डेवलपमेंट से चीन और पाकिस्तान चौकन्ने हो गए हैं। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को हमेशा समर्थन दिया है, जबकि मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान की मदद भारत ने की है। यही वजह है कि तालिबान के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना आसान है, मगर भारत के साथ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तालिबान कितना भी कट्टर हो जाए परंतु वह भी अफगान जनता के खिलाफ जोखिम नहीं उठा सकता है। जहां भारत अफगान दोस्ती के गीत हर गली मोहल्ले में गाए जाते हैं। सितंबर 2021 में तालिबान के तत्कालीन प्रवक्ता सुहेल साहिल ने कहा था कि उनके पास भी कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद तालिबान ने कश्मीर पर यूटर्न लेकर पाकिस्तान की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ा दी है। ये वही बेचैन मदरसा मुल्क है जिसे अफगानिस्तान में तालिबान के बाद लगा था कि उसकी तालिबान के साथ खूब बनेगी। लेकिन आज तालिबान मदरसा मुल्क को कोई भाव नहीं दे रहा है, उल्टे सीमावाद को लेकर दोनों देशों में खटास पैदा हो गई है। वहीं खराब अर्थव्यवस्था और सियासी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है। वहीं अफगानिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत की ओर देख रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल जो भारत और तालिबान के रिश्तों की मधुरता को लेकर है, वह यही है कि एक दूसरे को नापसंद करने वाले कैसे एक दूसरे के हितों के प्रति सजग हो गए। इन्हें इतना करीब लाने में किसने अहम भूमिका निभाई है? भारत की नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश नीति एक टीम वर्क की तरह होती है। जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो भारत ने सभी डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर दिए थे। कहा जाता है कि इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को तालिबान के मन की टोल देने की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल रणनीतिक रूप से अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान न सिर्फ मध्य एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है, बल्कि पाकिस्तान पर दूसरे छोर से नजर रखने के लिए भी खास जगह है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। अगर भारत तालिबान से दूरी बनाकर चलता तो यहाँ चीन और पाकिस्तान का एक तरफा प्रभाव बढ़ने का भी खतरा था, जो भारत के हितों के लिए खतरा साबित हो सकता था। अजीत डोभाल ने अपनी टीम को तालिबान से बातचीत में लगा दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पर्दे के पीछे से नई इबारत लिखी गई। यही नहीं, तालिबान कब्जे के बाद भारत ने खाद्यान्न बेचकर अफगान लोगों की मदद की। मोदी सरकार की अनाज डिप्लोमेसी ने तालिबान को भारत के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने कोरोना वैक्सीन दवाइयों से लेकर अफगानिस्तान को जरूरत का सामान भेजकर जमकर मदद की थी। अब तालिबान कश्मीर पर मदरसा मुल्क को ठेंगा दिखा रहा है तो इसके पीछे दोनों देशों का सीमावाद नहीं है, बल्कि भारत की शानदार डिप्लोमेसी है।
और इस पूरी कवायद की सफलता के सूत्रधार अजीत डोभाल है। यही वजह है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ चीन के भरोसे रह गया है। तुर्की और तालिबान इस मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।